नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। पूरा देश बदले की मांग कर रहा है। शहीद हुए जवानों को कैराना में लोगों ने श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान का पुतला दहन कर केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। जाहिर जी, आज ये यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर एक पुतला फूंका गया है, क्या पूरा मामला है ये? मामला जो है हमारे देश के जो 40-42 सैनिक शहीद हुए हैं जी, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। हाँ। और हम पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटाना चाहते हैं विश्व के। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हैं? हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए और उसे विश्व के नक्शे से हटाया जाए। ये पुतला किसका जला आप लोगों ने? इमरान मसूद का जला है, प्रधानमंत्री का। तो यही आपकी मांग है जी? और हमारी एक मांग हो रही है कि देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं उन्हें कम से कम 25-25 करोड़ रुपए भारत सरकार दे। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को लेकर जहां देश भर में शोक और आक्रोश की लहर है, वहीं मुरादाबाद शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने अपने व्हाट्सएप डीपी पर पाकिस्तान का जिंदाबाद का स्टेटस लगा दिया, जिसके बाद नाराज हिंदू संगठन और छात्र संगठन के लोग कॉलेज पहुंच गए और छात्र पर कार्रवाई को लेकर हंगामा करने लगे। लेकिन हंगामा करने पहुंचे और कॉलेज के छात्रों में झड़प के बाद फायरिंग हो गई, जिसके बाद पूरे कॉलेज में अफरा तफरी फैल गई। वहीं दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। किस तरीके की? अभी तक इस तरह का कोई भी घटना यहाँ पर नहीं हुआ है, ये तो पहली बार हुआ है। और जब हमको पता चला तब हमने उसका मोबाइल लेके वेरीफाई किया, जब उसको मिला, देखने को मिला कि उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था, तो तुरंत हम उसको सस्पेंड कर दिए और इंक्वायरी कमेटी चल रहा है। नहीं, ये फेसबुक पे है, जो उस पे व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में डीपी ग्रुप बनाया, कोई ग्रुप है ऐसे ही पर्सनल डीपी पे लिखा, डीपी पे लिखा है। आपको कैसा अवगत हुआ सर ये पूरा घटनाक्रम? ये लिखा गया, ये जब बाहर से कुछ बच्चे आए गेट पे, तब हमको पता चला कि ये बच्चे का नाम जब आया तब हमको पता चला। ये क्या कहते हैं, मूल रूप से क्या एड्रेस बताया था, कहाँ का रहने वाला है? सब्जीपुर। क्या नाम है? सब्जीपुर उमरी पार्क बड़ा का रहने वाला। अच्छा, तो इसके पारिवारिक स्थिति या कुछ बैकग्राउंड आप लोगों को पता? पिताजी, पिताजी किसान है, पिता जो बोल रहा है। अच्छा, जो हमारा रिकॉर्ड में है वो किसान लिखा है, किसान लिखा है। क्लास में उपस्थिति कैसी है इसकी? उपस्थिति उसका ठीक। पिता का क्या नाम है इसके? अब्दुल सर, स्टूडेंट का खलील अहमद। खलील अहमद, खलील अहमद पिता का नाम है। स्टूडेंट का क्या नाम है सर? मुजासम। मतलब पोस्ट है, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएगा फिर उसकी भी कार्रवाई करेंगे। सर कौन है आपने, कोई लड़के का नाम आया कि स्टूडेंट का नाम आया? हम लोग इसकी जाँच कर रहे हैं कि कौन स्टूडेंट है या बाहर का है। हम जाँच के बाद हम लोग जो भी सामने आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो विधिक कार्रवाई बनती है हम लोग का। सर जिन लोगों ने फायरिंग करी थी क्या वो बीजेपी से? नहीं, हम लोग सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से भी ट्रेस कर रहे हैं, उनकी पहचान जैसे ही होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर ये पूरी जो जांच चल रही है ये देशद्रोह के मामले से देख के चल रही है, जो यहाँ पे छात्र का मामला नजर आया? हम लोग पोस्ट देख रहे हैं, पोस्ट कैसी है, कहाँ से आई है, जैसे भी जो भी उसमें आएगा हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। सर पोस्ट ले लिया पुलिस ने? हाँ, पुलिस फुटेज ले ली है और उसकी। सर क्या लिखा हुआ है उस पोस्ट पर? हम लोग फुटेज तस्दीक कर रहे हैं कहाँ से आई है, कैसे आई है। सर पोस्ट में क्या लिख, क्या पोस्ट? कुछ ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट है जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। जबलपुर के सबसे व्यस्ततम चौराहे रसल चौक पर आए दिन लगने वाले जाम से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने कमर कस ली है और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर अड़चनों को दूर किया जा रहा है। इसी कड़ी में रसल चौक स्थित शराब दुकान और अहाता संचालक को जवाब तलब कर कार्यवाही की बात कही गई। जी भैया, किस तरह का? ये शहर का प्रमुख चौराहा है रसल चौक, यहाँ एक अंग्रेजी शराब की दुकान है और उसके बाजू में दारू का अहाता है। यहाँ हमेशा ही गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है, जबकि इस चौराहे पर जाम का कारण भी जो है यही गाड़ियाँ हैं। इनको पूर्व में भी कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया, परंतु इन्होंने यहाँ कोई पार्किंग का इंतजाम नहीं किया और ना ही कोई वाहनों को शिफ्ट करने के लिए कोई सुरक्षा गार्ड छोड़ा। आज मैंने देखा कि यहाँ लगभग 60-70 दोपहिया वाहन खड़े हुए थे और इनकी वजह से जाम लगा हुआ था। हमने अभी दारू के अहाते के संचालक को और जो शराब दुकान है उसके मैनेजर को बुला के इनको ये कहा है कि आप लिखित में इस बात का कमिटमेंट दीजिए कि यहाँ जो है पार्किंग का समुचित इंतजाम करेंगे, लेकिन ना तो ये कोई लिखित में देने को तैयार है और ना इनके पास कोई पार्किंग का इंतजाम है। सर एक बात और है, आते ही आपने बात की है
शासन ने हाथे बंद कर दिए, तो क्या इस संबंध में भी कोई कार्रवाई जांच की जाएगी? और मैंने स्थानीय थाना प्रभारी को भी यहाँ मौके पर बुलाया है और हम चर्चा कर रहे हैं, इसका परीक्षण भी करवाएंगे कि नियम में क्या है और यदि नियम के विरुद्ध है तो उसके हिसाब से हम विधि संगत कार्रवाई करेंगे। जबलपुर के गुरुकुल परिसर में बड़ा दादा मैदान में 7 दिवसीय गजरथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। बताते चले कि इस साल 2009 के बाद इस तरह का गजरथ महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रदेश और जिले भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। दर्शन एवं जिन में भगवत्ता की प्रतिष्ठा के लिए यह आयोजन संस्कारधानी जबलपुर में हो रहा है। जिस प्रकार से एक संस्कारित शिल्पी के हाथ में कंकर लगने पर वो शंकर बन जाता है और गुरु के हाथ में लगने पर हमारा मन देवत्व को प्राप्त कर जाता है, इसी प्रकार से इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 108 संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद से, उन्हीं के धर्म प्रभावक शिष्य 108 मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी के सत्संग सानिध्य में एवं बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के प्रतिष्ठाचार्यत्व में, ब्रह्मचारी जिनेश जी, ब्रह्मचारी नरेश जी के निर्देशन में यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गजरथ समिति के तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित है। इसमें गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक, इन 5 कल्याणकों का दर्शन होगा। राजस्थान के धौलपुर में नेशनल हाईवे 3 पर डस्ट से भरे ट्रॉला चालक को अचानक झपकी आने से ट्रॉला अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रॉला की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर पर चढ़ने के बाद वह आसपास की स्थित परिवहन विभाग की चेक पोस्ट पर खड़े गार्ड सहित 3 लोगों को कुचलता हुआ आगे निकल गया। घटना के बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए, वहीं चालक ट्रॉला छोड़कर मौके से फरार हो गया। ये घटना इतनी भयानक थी कि 3 में से 2 के शव तो पूरी तरह से शक विक्षत हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी की आंख नम है। कौशाम्बी में स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला और नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की हम भरसक भर्त्सना करते हैं कि ऐसा हमला करने वाले सही मायने में इंसानियत के दायरे में नहीं आते और सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस हमले की जीत तोड़ भर्त्सना कर और जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब। सर कहाँ से मार्च करते हुए आप लोग आ रहे हैं? हम लोग MV कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज पेशा मंजूरपुर से यहाँ मंजूर चौराहे तक आए। ये हम लोग अपने पुलवामा कश्मीर में शहीद हुए जवानों के लिए हम लोगों ने एक शांति मार्च निकाला है। हम लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। आजकल जो ज़माना है वो ये है कि आपको चीज़ों को बताना पड़ता है, लोगों को जागरूक करना पड़ता है। सबके अंदर देशभक्ति है लेकिन ये भावना को जागृत करने की बहुत ज़रूरत है। आजकल हमारे समाज में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बन गया है और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे यूथ हैं, उनको वर्गला के कुछ विदेशी ताकतें हमारे ही देश के खिलाफ, हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि बहुत गलत है। इसके लिए हम शिक्षक लोगों को, हमारे प्रशासनिक तंत्र को और हम सभी नागरिकों को एकजुट होकर ये निर्णय लेना पड़ेगा और ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी लोगों में फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, उसको दूर कर सकें ताकि उन जवान लोगों को, उन यूथ को बाहरी ताकतें बरगला के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल ना कर सकें। हाँ, ये समय एकजुट होने का है, ये बताने का है कि हम अपने देश के साथ, अपने देश के सब जवानों के साथ, अपने देश के जवानों के परिवारों के साथ हम सब जुटे हुए हैं। हम लोगों के 16-17 कॉलेज हैं MV ग्रुप के और सब जगह हम लोगों ने इसी तरह शांति मार्च निकाला है और दान पात्र एक बनाया है जिसमें हम लोग स्कूली बच्चों से, शिक्षकों से दान एकत्र कर रहे हैं और ये दान फिर हम उन शहीद परिवारों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये आशा करते हैं कि यही कार्य सभी लोग जो जहां पे हैं वो जरूर करें ताकि हमारे शहीद परिवारों को कुछ सांत्वना और मदद मिल सके। गुड नेम बताओ। मेरा नाम मोहित चौधरी है और मैं MV कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज का प्रिंसिपल।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।